आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई में रांची निवासी एक सोनी परिवार अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा और शिकायत पत्र देते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि उनके भांजे और बहनोई ने उनके घर में घुसकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। वहीं मारपीट के दौरान पीड़ित को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, तो वहीं पीड़ित काफी भयभीत है, जिसके चलते पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाते हुए मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मारा बहुत मेरे को, मेरे भांजे ने मारा, मार तीसरी बार मार चुका है और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा। मेरी जमीन जायदाद मेरा बाप दे गया और मेरी जमीन में हिस्सा मांग रहा है। अगर मेरे को हिस्सा चाहिए, मेरे को दांत तोड़ दिया, मेरे को आधा लीटर खून गिरा है रात में कल, और मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी, इसलिए मैं चाहता हूँ। पुलिस ने रिपोर्ट की थी, उसमें पुलिस में मैंने रिपोर्ट करी, जिसमें से नॉर्मल धारा लगा दी हूँ और इसके बाद उसको छोड़ दिए, एक को अभी नहीं पकड़ा है। मेरे को खूब पटक के चीख में मार। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इसको धारा अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।